हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईडन गार्डन्स कोलकाता के पीजी रिपोर्ट के बारे में। आपको पता होगा कि ईडन गार्डन पे 3 मैचेज अभी तक हुआ है और तीनों मैच में ना देखोगे तो पहले मैच में देखो 207 रन जो है वो कौन बनाया, तो KKR ही बनाया 204 रन। उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पर हैदराबाद आया और 228 मार दिया। उसके बाद यहाँ पर चेन्नई आया और चेन्नई देखोगे 235 बना दिया। तो अब जो है क्या बनेगा यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा बनेगा या फिर उससे जो है कम आएगा, 200 से नीचे आएगा, उसको हम एक बार डिटेल्स में चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं ना, स्कोर बढ़ते ही जा रहा है। पहले पे 204 के आसपास था, फिर 28 हो गया, फिर 235 हो गया। तो आप देखोगे तो यहाँ पर स्कोर रुक नहीं रहा है। बाकी ग्राउंड पर देखोगे तो जो स्कोर है वो कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्कोर बढ़ते ही जा रहा है। 3 मैचों में जो है लगातार स्कोर बढ़ रहा है। और इसमें देखने के बाद भी सबसे मेन देखोगे तो क्या मिलेगा, पहले मैच में स्पिनर ने अच्छा रोल निभाया था, दूसरे मैच में फास्ट बॉलर ने अच्छा रोल निभाया था, और तीसरे मैच में देखोगे तो स्पिनर जो है थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर डाला। तो इस सिनेरियो में हम लोग कह सकते हैं कि कैसा जो ये ग्राउंड है ना अभी तक जो है वो 3 मैचों के बाद भी ना सबको यही समझ में आ रहा है कि मारो, बस मारो, जो भी है इस ग्राउंड पर मारो। तो ये किस तरीके से मैचेस हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें जो है यहाँ पे अब खेलने वाली है, दोनों टीमें जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेगी उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। तो अब बात करते हैं अगर लोकेशन की, हम लोग बात करते हैं तो ग्राउंड कोलकाता में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। होम ग्राउंड जो है आपको KKR का है और यहाँ पे जो है देखोगे तो KKR जो है एक ही मैच जीता है 3 में से, बाकी जो है 2 मैचेज अभी टीम जो है वो जीती है। अब किस तरह से मैचेज हो सकता है डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं कि विनर सेशन इन टीम में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, दीजिए व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर जो है आप जुड़ सकते हो। साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल वीडियो सर्च करके, और टीम इंडियन के लिए आप स्क्वाडिंग इंडियन पर जुड़ सकते हो जहाँ पर जो है आपको इससे रिलेटेड जो है वो टीम और न्यूज़ सब कुछ है वो अपडेट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, तो हमने 3 मैचेज जो है वो देखा और तीनों मैचों में हमने ये देखा कि ग्राउंड जो है वो काफ़ी फ्लैट देखने को मिल रहा था और उसे नहीं कंडीशन तो यहाँ पे रहता ही है। बाउंड्रीज एरिया भी जो ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है और रन यहाँ पे जो है वो भर भर के बनता है। अब तीनों मैचेज जो हुए थे उनमें तीनों मैचों में जो खास बात ये था कि जो लास्ट के 2 मैचेज हुए थे उन दोनों मैचों में जो है 220 से ऊपर रन बना था, इवन थर्ड वाले में 230 से भी जो है ऊपर बना था। तो अब ऐसे स्कोरिंग एरिया पर जहाँ पर देखोगे कि एक हाई एक ह्यूज स्कोर हो रहा है तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा हो गया कि अब 200 से ऊपर रन जो है यहाँ पे बनाना कंपल्सरी हो गया है, चाहे वो कोई भी जो है वो टीम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उनको पता है कि 200 के आसपास अगर रन बनाते हैं, 200 से कम बनाते हैं, तो इस ग्राउंड पे चेसिंग होने का चांसेस बहुत ही हाईली रहेगा। तो अब जो है ये ग्राउंड में कैसा हो गया कि देखो बैट्समैन के लिहाज से बात करते हैं तो बैट्समैन के लिए जो है ना एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आओ भाई मार के जाओ, क्योंकि अगर यहाँ नहीं मारोगे तो किसी ग्राउंड पर नहीं मारोगे, ऐसा ग्राउंड हो गया है। बॉलर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा फास्ट बॉलर के लिए खासकर कि यहाँ पे जो है भाई मार खाना है, आ जाओ आप, और स्पिनर के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे जरूर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ड्यू जो है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, हालांकि ये मैचेज दिन का होगा, बाकी जो तीनों मैचेज थे वो रात के हुए थे, तो रात के मैचों में जो है थोड़ा सा रन ऐसे भी ज़्यादा बनता है। तब दिन के मैचेज होगा तो देखना होगा रन कितना बनेगा, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि 180 के आसपास रन तो यहाँ पर जरूर ही बनेगा। तो 180 जो है अभी के लिए इस मैच के लिए आप मान सकते हो कि हाँ यहाँ पे 180 के आसपास रन आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये रात के मैचेज नहीं हैं। और चेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे मैचेज होते जाता है थोड़ा सा जो है ग्राउंड में दिक्कत जो है वो जरूर आता है पीसेस पे, कि थोड़ा सा जो है बैटिंग करना, खासकर वैसे भी जब टारगेट बड़ा रहता है तो कोई भी जब टीम चेस करती है तो एक अलग सीनरी से चेस करती है, लेकिन अगर टारगेट 180-160 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि बहुत ही आराम से चेस हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन कितना है, तो डायमेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं देखो तो डायमेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो डायमेंशन हमें देखने को मिला कि अगर पिच जो है मान लो यहाँ पे, तो पिच के साथ देखोगे जो फाइन लेग होता है ना, ये लेग के तरफ जो है बाउंड्री थोड़ा सा कम रहता है, ये कितना तो 58 मीटर के आसपास रहता है, और स्टेट की तरफ जो आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो बाउंड्री एरिया रहता है ना 70 मीटर के आसपास अभी से कह सकते हो रहता है, और यही आप देखोगे ना तो इस एरिया में जो है आपको ये 65 के आसपास दिखाई देगा, और अब मिड ऑफ की तरफ जो है आपको ये जो है वो 65-66 के आसपास दिखाई देता है। तो ये बाउंड्रीज एरिया है जो कि नॉर्मल बाउंड्रीज एरिया है, और इसके चलते यहाँ पे रन भी जो है थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। अब ऐसे सीनियर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आगे कि अभी जो मैसेज हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तो जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था 23 अप्रैल को मैच नंबर 33, अब देखोगे वहाँ पे चेन्नई 235 बनाया, KKR जो है 186 जो है बनाया चेस करते हुए, और फास्ट बॉलर को जो है 5 विकेट मिला और स्पिनर को जो है 7 विकेट मिला। और फास्ट बॉलर में देखोगे तो आपको स्पिनर में देखोगे तो संयुज शर्मा को जो है 1 विकेट मिला था, चक्रवर्ती को 1 मिला था, और कुलवंत को जो है 2 विकेट मिला था, लेकिन कुलवंत का जो यहाँ पे था आप कैसे इकोनॉमी रेट था वो बहुत ही हाई था, इसके अलावा जो बाकी बॉलर थे उनके इकोनॉमी रेट तो और ज़्यादा हाई था, उनको विकेट भी नहीं मिला था। चेन्नई की तरफ से ठीक जो है आपको पथिराना को 1 विकेट मिला था, इकोनॉमी रेट इनका अच्छा था, आकाश सिंह को 1 मिला था, महेश तिक्सना को 2 मिला था जिनको इकोनॉमी रेट ठीक था, तुषार देशपांडे को 2 मिला था,
जडेजा को जो है वो दो मिला था और मोइन अली को एक मिला था, लेकिन एक ही बार डाले थे और 20 रन जो है उनको पड़ गया था। 23 रनों में आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो रन बॉलर्स को पड़ी थी, लेकिन विकेट जो है वो यही सीनरी था जहाँ पर मिला था। इसी में रन देखोगे तो रन जब देखोगे तो इनके टॉप ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। देखोगे यहाँ पे रहाणे ने 71 बनाया था, कौन भी 56, दुबे जो है 50 और ऋतुराज गायकवाड़ जो है 35। टॉप ऑर्डर इसके काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। क्रिकेट तो देखोगे तो रिंकू सिंह का 53 था, जेसन रॉय का जो है वो 61 था, नीतीश राणा का 27 था और वेंकटेश अय्यर का 20 था। हालांकि जेसन रॉय जो है वो टॉप ऑर्डर में नहीं आए थे, आप सभी को जो है पता होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इससे पहले का जो मैचेस था जो कि हैदराबाद ने बनाया था 228 रन, तो आप देखोगे वहाँ पे केकेआर जो है 205 रन मिल गया। और विकेट की बात करें तो फास्ट बॉलर को जो वहाँ पे 8 मिल गया था, स्पिनर को जो है वो 3 मिला था, और फास्ट बॉलर में रसल को जो है वो 3 मिल गया था, चक्रवर्ती को 1 मिल गया था। यानी कि जो है वो आप देखोगे केकेआर की तरफ से सिर्फ 4 ही विकेट जो है वो गिरा पाए थे। और हैदराबाद की तरफ से बात करते हैं मैंक मार्केंडे को 2 मिला था, मार्को यन जेनसन को जो है 2 मिला था, बुनेसर को 1 मिला था, नटराजन को 1 मिला था, और आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको उरमान मल्लिक को 1 मिला था, और इकोनॉमी रेट जो इनका बहुत ही हाई था। इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि मैं बैट्समैन की परफॉर्मेंस देख ले तो बैट्समैन देखोगे तो यहाँ पे जो सनराइज हैदराबाद के जो है हैरी ब्रुक्स का जो है वो 100 रन था, इसके अलावा अजय मैक्रम को जो है 50 था और अभिषेक शर्मा को जो है 32 रन था। और केकेआर की तरफ से बात करते हैं नीतीश राणा का जो है वो आपको 75 था, रिंकू सिंह का 58 था और जगदीशन का जो है आप देखोगे यहाँ पर 36 रन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले का जो मैच हुआ था जहाँ पे जो है आरसीबी ने पकड़ बना रखा था, लेकिन बाद में केकेआर जो है वो इनके फंदे से निकल के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जहाँ पे आप देखोगे तो केकेआर ने 204 बनाया था, उसके बाद जो आरसीबी 123 पे जो ऑल आउट हो गया था। वहाँ पे फास्ट बॉलर को जो है 5 मिला था, स्पिनर को 12 मिला था, आरसीबी की तरफ से सिराज को 1 मिला था, डेविड विली को 2 मिला था, ब्रेसवेल को 1 मिला था, करण शर्मा को 2 मिला था, हर्षल को 1 मिला था। और देखो तो सिराज का इकोनॉमी रेट सबसे अच्छा था और वहीं हर्षल पटेल का इकोनॉमी रेट सबसे खराब था। केकेआर की तरफ से बात करते हैं वेंकटेश अय्यर को 4 मिला था, इसमें सायुष शर्मा को जो है 2 मिला था, नरेने को 2 मिला था और सरदीप ठाकुर को 1 मिला था। सरदीप ठाकुर का इकोनॉमी रेट जो है काफ़ी महंगा था और रिश्ते वाला वरुण चक्रवर्ती का जो इकोनॉमी रेट था वो काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर रन का पैटर्न देखोगे तो रन के पैटर्न में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि केकेआर पहले बैटिंग किया था, गुरबाज ने जो 57 बनाया था, रिंकू सिंह 46 और सरदीप ठाकुर का जो है वो 61 रन था जो कि लास्ट में जो है वो आया था। आरसीबी की तरफ से कोहली का जो है 21 था, फाफ डुप्लेसी का 23 था और डेविड विली का जो है 20 रन था। इसके अलावा कोई भी जो है और यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया था। ये सीनरियो जो है अभी को आपको देखने को मिला। अब इस सीनरियो में दो तीन चीज़ें जो है हमें देखने को मिला जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या हमें देखने को मिला कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिला कि जो फास्ट बॉलर थे इनका इम्पैक्ट जो है वो केवल एक मैच में आपको देखने को मिला, और उसमें भी जो है ना सेकेंड इनिंग में जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा आता है फास्ट बॉलरों का कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में जो है फास्ट बॉलर को काफ़ी मार पड़ती है, स्पिनर को भी मार पड़ती है, और फर्स्ट इनिंग में हमने देखा कि विकेट जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं गिरा था सिवाय एक मैच का जो है वो जो कि पहला मैच था, उसमें शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा विकेट गिर गया था, बाद में अच्छा साझेदारी हुआ। उसके बाद हमने देखा कि स्पिनर का जो है इम्पैक्ट है वो भी जो है थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में ज़्यादा आया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग, कि फर्स्ट इनिंग में मार जो है बॉलर को ज़्यादा पड़ी है। तो फर्स्ट इनिंग में देखोगे तो लिहाजा बैटिंग जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू जो है वो बॉलिंग। सेकेंड इनिंग में जो है वो बॉलिंग दोनों मैचों में जो है किसी न किसी में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कैसे सीनरियो जो है वो बना है। अब बात कर लेते हैं, देखो अभी तक जो आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन इंटी में बहुत ऐसे प्रॉफिट उठा सको, तेजिए व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे लिख जाना, साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉल पर सर्च करके, और डीम पे जो आप स्क्वाडिंग 11 पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको टीम के साथ न्यूज भी जो है वो अपडेट हो जाता है। तो होप से वीडियो जो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन क्लिक करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।